शहर में स्वर्गीय मनमोहन चावला की स्मृति में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय महिला हॉकी प्रतियोगिता आयोजन शनिवार से शुरू किया गया। आयोजित स्पर्धा में उद्घाटन के पूर्व सुबह 8 बजे से स्वच्छता संदेश की रैली बालिका हॉकी खिलाड़ियों द्वारा निकाली गई। इस मौके पर खरगोन क्षेत्रीय विधायक रवि जोशी, राष्ट्रीय खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी मीर रंजन नेगी, मंजीत सिंह चावला सहित अन्य खिलाड़ी मौजूद थे। विधायक रवि जोशी ने स्वच्छता संदेश की रैली को हरी झंडी देकर रवाना किया, जो शहर के पोस्ट ऑफिस चौराहा श्रीकृष्ण तिराहा होते हुए वापस उत्कृष्ट मैदान पहुंची। विधायक रवि जोशी ने बताया कि सबसे जरूरी स्वच्छता का संदेश। महात्मा गांधी ने कहा था कि हम स्वच्छ रहेंगे तो देश भी स्वच्छ रहेगा। इसी को लेकर उनके सपने को साकार करने के लिए हम और हमारी बालिकाएं स्वच्छता का संदेश दे रहे। राज्य स्तरीय स्वच्छता के लिए आज राज्य स्तरीय महिला हॉकी टूर्नामेंट का 11 बजे उद्घाटन है। उसके पूर्व खरगोन शहर के अंदर सारी बाहर की जो टीमें आई है उनके साथ खरगोन की हमारी एक परंपरा है कि पहले हम लोग स्वच्छता का संदेश देने के लिए रैली का मार्ग रैली निकालते हैं, उसका आयोजन हुआ। उस रैली को अभी हरी झंडी बताकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए वापिस 10 बजे इसी स्थान पर रैली का समापन होगा। स्वच्छता का संदेश हमारे लिए जरूरी है। महात्मा गांधी का सपना था कि हम स्वच्छ रहेंगे और देश स्वच्छ रहेगा। उस सपने को पूरा करने का काम हम और हमारी बालिकाएँ कर रही है। मैं उन बालिकाओं को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खरगोन से अब्रार पठान की ये रिपोर्ट।